काफी कम समय में, 2 साल के रिकॉर्ड समय में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। काम लगभग कम्प्लीशन से स्थिति में, फिनिशिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे फ्लाइट्स के भी तय हो गए हैं, कौन कौन से फ्लाइट्स आएंगे, कब किस दिनों में आएंगे। तो ये जनपद अयोध्या के लिए गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि काफ़ी कम समय में, 2 साल के रिकॉर्ड समय में हम लोगों ने कंप्लीट किया है और लैंड एक्विजिशन से लेकर सब काम और पूरे जन सहयोग से हुआ है ये कार्य और सभी लोगों ने इसको अपनी सहमति दी है और बहुत बेहतर तरीके से ये कार्य संपादित हुआ है। यहाँ पे मंदिर इनोग्रेशन 22 जनवरी को है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने काफ़ी बड़े स्तर पर कम्युनिकेशन प्लान्स बनाए थे, रोड्स स्ट्रक्चर्स ठीक किए थे। अब रेलवे और एयरपोर्ट दोनों आने से हमारा जो कम्युनिकेशन प्लान काफ़ी बेहतर होगा और मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा मिलेगी। यहाँ पे होटल्स के लिए भी हम लोग काफ़ी व्यवस्था कर रहे हैं, टेंट सिटी भी बनाया जा रहा है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे अयोध्या में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ जो हमारे पौराणिक महत्व के जो इमारतें रही हैं उसको हम लोग सौंदर्यीकृत कर रहे हैं और प्राचीन परंपरा को कैसे संजोया जाता है उसको देखते हुए चूना सुर्खी का प्रयोग करते हुए हम लोग कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ मंदिरों का, मठों का हम लोग रेनोवेशन कर रहे हैं, साथ साथ हम जो कुंड है हमारे उसका भी रेनोवेशन कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम में हमारे भक्तगण आएंगे, श्रद्धालुगण आएंगे, उसको देख के आह्लादित होंगे वो और एक नई अयोध्या के साथ साथ जो पौराणिक अयोध्या है उसका भी अवलोकन कर सकते हैं।